वगैरह और बाल विवाह अभी भी बहुत हो जाता। गांधी जी का भी तो बाल विवाह हुआ था, फूलन देवी का क्या हुआ था, बाल विवाह हुआ था। 35-40 साल का आदमी थे, 13-14 साल की लड़की थी यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। फूलन देवी कम अत्याचार हुआ था उनके ऊपर। अब क्योंकि ना कि पहले समय में भी अस्पृश्यता बहुत ज्यादा था, छुआछूत बहुत ज्यादा था यहाँ पे, तो फूलन देवी के सामने भी तो बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। निर्वस्त्र करके सबके सामने घुमा दिया गया था। सोचिए किसी महिला का 25-30 आदमियों ने रेप करके और निर्वस्त्र करके सबके सामने घुमाया। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। एक महिला, उसने कहा अब बचल कौन चीज ससुरा। एक समाज ने जाति के नाम पे हमेशा प्रताड़ना किया यहाँ पर। उसके बाद उसी समय फूलन देवी ने डाकुओं का गिरोह शामिल की और उसके बाद एक एक को चुन चुन के मार दिया। बिहार में, चंबल में, बिहार चंबल का एरिया था, बिहार बोलते हैं ना वहां पे, यहाँ पे पूरा उस समय फूलन देवी, देखिए फूलन देवी जो भी है हत्या की, आप किसी भी हत्या को सही नहीं ठहराएंगे, लेकिन ये भी देखिए उसके साथ क्या हुआ है, समाज ने क्या किया उनके साथ। यहाँ पे बिहार में एकदम खतरनाक थे, वहां पे गरज उठी थी बिहार में। वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। अब तो महिलाओं पे बहुत अत्याचार, किसी पे ज्यादा अत्याचार कीजिए कितना देर तक बर्दाश्त करेंगे। हाँ, उसके बाद से तो न्याल के बंदूक उठा के जो जो अत्याचार किया था ना सबको मार दिया। लेकिन अभी भी देखिएगा गांव, देखिए शहरी क्षेत्र में एक चीज है ना कि जाति व्यवस्था ऊंच नीच थोड़ा गांव के तुलना में कम है। क्या है, कम है। तो यहाँ पे ना शहरी क्षेत्र में कम होने का एक रीजन भी है कि शहर का निर्माण माइग्रेशन के बाद होता है, कि आप गांव से उठ के आए, कोई यहाँ से आए तो आपका बहुत पुराना बैकग्राउंड नहीं मिलता है यहाँ पे, तो कोई कहीं से आए कोई कहीं से आए तो ज्यादा कूदता नहीं है। गांव में उसका परदादा लकड़दादा चौथा दादा से वही है, सब पता है। अच्छा तुम ज्यादा कूद रहा है क्या, तो परदादा तो यही है, दुकान लगाते थे, तो तुम बोलेरो खरीद लिया तो ज्यादा उड़ेगा, सब इतिहास जानता है। तो थोड़ा सा ना अभी भी कंजर्वेटिव ज्यादा रहते हैं। तो गुप्त काल की अच्छाइयां भी थी तो कुछ खराबियां भी थी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। भारत की ये जाति व्यवस्था बहुत बड़ी खराबी रही थी। हाँ, स्त्री भी सती होती थी, खुद से सती हो जाती थी, प्रथा वही था, सती नहीं हुईगा तो समाज बहिष्कार कर देता था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब एक चीज का प्रथा बना दिया जाता है तो उसको मानना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं क्या। हम लोग जो भी धार्मिक रीति रिवाज को मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म, किसने लॉजिक पूछा आज तक। मम्मी को देखे जैसे पूजा पाठ करते हुए, जैसे नमाज पढ़ते हुए, वैसे हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो उस समय जब सब सती प्रथा था तो सबको सती प्रथा था, और जब किसी की मृत्यु होती है ना उस दिन इंसान भावनाओं में होता है, खास करके अगर किसी की पति की मृत्यु हो जाए तो उस दिन वो भावनाओं में होता है। अब किसी का बेटा मर जाए, उसकी माँ कितनी भावनाओं में रहेगी, उसको चढ़ा देगा पूरा समाज, मर जो वो चढ़ जाएगी, मर जाए अपने बेटवा के साथ, नहीं समझ में आया। तो भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया। किसी की घर में अगर मृत्यु होती है 2-4 दिन तक तो ऐसा लगता है कि जो पूरा दुनिया खाली है, उसके बाद धीरे धीरे वक्त जो होता है ना गहरे से गहरे जख्म को भर देता है। हालांकि ये गलत बात है, वक्त किसी जख्म को नहीं भरता है, बल्कि वक्त के साथ हम उस दुख दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। एडेप्टेशन हम लोग का बहुत अच्छा है, किसी भी चीज के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े।